नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयास रहेगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को उसकी ओर से चुनाव न लड़ाया जाए। मायावती ने कहा कि इसके मद्देनजर मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस ने भवानीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया था। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को परिणाम घोषित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस दिन पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे ताकि एक दिन में वैक्सीनेशन के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट जाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के चलते ये सीट खाली हुई थी। अब यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का CPIM के प्रत्याशी श्रीजीव विश्वास और बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल से सामना होगा। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को टिकट न देने के ऐलान के बाद AIMIM ने कहा, अगर मुख्तार चुनाव लड़ना चाहें तो हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, अंसारी पर दर्ज मुकदमों में अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उनकी पसंद की सीट से टिकट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वो 12 सितंबर को दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, अच्छी शुरुआत है कि LJP नेता चिराग पासवान ने घर आकर उन्हें कार्ड दिया, वो कार्ड नहीं देते तो भी मैं जाता। उन्होंने कहा, रामविलास पासवान मेरे बड़े भाई और आदर्श थे, मैं उनका कर्जदार हूँ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार त्योहारों के समय प्रतिबंध लगा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, ये हिंदू विरोधी सरकार है, इन्हें जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तभी प्रतिबंध लगाना सूझता है। बकौल राणे, शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है लेकिन बीजेपी से नाता तोड़ते ही उनका हिंदुत्व खत्म हो गया था। ओडिशा के एक याचिकाकर्ता की कोविड-19 के इलाज के लिए लाल चींटी की चटनी के इस्तेमाल का आदेश जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, आप इस्तेमाल करना चाहे तो करिए, बतौर संवैधानिक न्यायालय हम ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते। दरअसल लाल चींटी की चटनी से कोविड-19 से बचाव का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें लेकर KBC सीजन 13 में एक प्रतिभागी से सवाल पूछे जाने के बाद फेसबुक पर शो की क्लिप शेयर की है। मोइत्रा ने कहा, बीती रात KBC पर खुद को देखकर सरप्राइज हुई, धन्यवाद अमिताभ जी। मोइत्रा की वीडियो क्लिप चलाकर प्रतिभागी से पूछा गया था कि ये सांसद कौन है। UNSC में अफगानिस्तान पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान के बेहद नाजुक हालात हमारे लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देश को धमकाने, हमले या आतंकियों को पनाह देने के लिए नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 7 महीनों में पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग को फोन किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों की जिम्मेदारी पर चर्चा की ताकि सुनिश्चित हो सके कि प्रतिस्पर्धा टकराव में न बदले। दोनों देशों में व्यापार, जासूसी और महामारी जैसे मुद्दों पर तनाव के बीच उनकी बातचीत हुई है। चीनी सरकार के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने विमान पर रस्सी बांधकर झूला झूलते तालिबानी लड़ाकों का वीडियो ट्वीट कर अमेरिका का मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा, साम्राज्यों और उनकी युद्ध मशीनों का कब्रिस्तान, तालिबान ने उन्हें झूले और खिलौने बना दिया। इससे पहले चीन ने कहा था कि वे नई अफगान सरकार से बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वित्त मंत्री शौकत तरीन ने कहा है कि अफगानिस्तान अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहा है, इसीलिए इसके साथ द्विपक्षीय व्यापार में पाकिस्तान अपनी मुद्रा इस्तेमाल कर सकता है। बकौल तरीन, अफगानिस्तान में मामले देखने के लिए पाकिस्तान अधिकारी भेज सकता है।
दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को मदद रोक रखी है। महाराष्ट्र में पिछले माह सुपारी देकर 54 वर्षीय पुलिसकर्मी की कार से कुचलवा कर हत्या कराने के आरोप में एक महिला कांस्टेबल को नवी मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध रहा था और 2 साल पहले पीड़ित के दूरी बनाने की कोशिश करने पर कांस्टेबल ने उनके खिलाफ रेप की शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने राजू पार्क में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फोड़कर मैनेजर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कॉल सेंटर के कर्मचारी बैंक, एयरलाइन, PSU आदि में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने 19 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान COVID-19 नियमों के उल्लंघन करने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना था। बकौल SP असदुद्दीन अवैसी ने भड़काऊ भाषण भी दिया था। आंध्र प्रदेश के कडपा में गुरुवार रात गणेश प्रतिमा के जुलूस के दौरान एक वाहन में रखे पटाखों में अचानक आग लग गई, जिससे कम से कम 10 लोग झुलस कर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना की एक बेकरी में 200 किलोग्राम से अधिक बेल्जियम चॉकलेट का इस्तेमाल कर भगवान गणेश की एक इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। बेकरी के मालिक हरजिंदर सिंह कुकरेजा ने बताया कि 10 शेफ की एक टीम ने 10 दिनों में इस प्रतिमा को तैयार किया है। बकौल कुकरेजा, गणेश प्रतिमा को दूध में विसर्जित किया जाएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा, मैं देश से जुड़े मुद्दों पर बात करती हूं, इसीलिए लोगों को लगता है मैं राजनीति के बारे में बात कर रही हूं। उन्होंने कहा, फिलहाल मैं एक अभिनेत्री बनकर खुश हूं, लेकिन भविष्य में अगर लोग मुझे चुनते हैं तो मैं निश्चित रूप से राजनीति में आना पसंद करूंगी। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने जून 2020 में गुजर चुकी अपनी 79 वर्षीय माँ की पेंशन पाने के लिए उनके शव को फ्रिज में रखकर पट्टियों में लपेट दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा, उसने माँ के शव पर बिल्ली के मल को मला और शव ममीफाई हो गया। शख्स जून 2020 से 50,000 यूरो ले चुका था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध की आशंका है सवाल पर कहा, मुझे लगता है ये हो सकता है। जेलेंस्की ने आगे कहा, ये सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी आशंका है। बकौल जेलेंस्की, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक स्थायी बैठक करना चाहते हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच मैनचेस्टर में शुक्रवार को प्रस्तावित 5वां टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दल में COVID-19 संक्रमण के और फैलने की आशंकाओं के चलते भारत अपनी टीम को मैदान में नहीं उतार सका। दरअसल भारत के जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार भी COVID-19 पॉजिटिव मिले थे। T20 विश्व कप के लिए अफगानिस्तान टीम की घोषणा के कुछ देर बाद राशिद खान के कप्तानी छोड़ने के बाद ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को टीम का कप्तान बनाया गया है। नबी ने कहा, हम साथ मिलकर देश की बेहतरीन तस्वीर पेश करेंगे। राशिद ने ये कहते हुए कप्तानी छोड़ी थी कि टीम चयन के दौरान उनकी सहमति नहीं ली गई। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।